Hello, good morning. This is Raj Kamal. Welcome to all of you on YouTube channel Engineers Platform Education Hub. तो आज जो मैं है टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ वो हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट. एलिमेंट्स के किस किस एलिमेंट्स को किस किस तरीके से क्लासिफाइड किए गए हैं तो उसके रिगार्डिंग हमने यहाँ पे डिस्कस करना है. इन टॉपिकों को स्पेशली चूंकि ये तो इसमें जब इस टॉपिक को आप डिस्कस करेंगे इसके बस्ट एग्जाम्पल पूछे जाते हैं आपसे. कभी भी एग्जाम्पल किस टाइप से पूछे जाते हैं कि कौन सा एलिमेंट लीनियर है, कौन सा एलिमेंट नॉन लीनियर है, कौन सा एक्टिव है, कौन सा पैसिव है, तो इससे रिगार्डिंग टर्म्स पूछे जाते हैं आपसे. लेकिन इसका यूजेस हम देखेंगे जो हम जब केसीएल और केवीएल को डिस्कस करेंगे, केसीएल केवीएल को, तो वहां पे भी इसका एप्लीकेशन होगा. इसीलिए इन टर्म्स को मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ. ओके, तो देखते हैं हम इसके रिगार्डिंग. पहला ही टर्म्स है हमारा, देखिए, लीनियर एंड नॉन लीनियर एलिमेंट क्लासिफिकेशन जो किए गए हैं, तो इसके एग्जाम्पल भी पूछे जाते हैं. इसको शॉर्ट में आप चाहे तो लिख सकते हैं, मैं बता दे रहा हूँ आपको इसके रिगार्डिंग. लीनियर एलिमेंट क्या होता है? द एलिमेंट व्हिच हैव वीआई कैरेक्टरिस्टिक, जो इसका वोल्टेज और करंट का जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, व्हिच इज ऑलवेज पासेस थ्रू ओरिजिन एंड इट फॉलो ए स्ट्रेट लाइन फॉर ऑल टाइम, ये कहलाता है हमारा लीनियर एलिमेंट्स. यानी लीनियर एलिमेंट्स का मीनिंग एक्चुअली क्या होता है, जो लीनियर एलिमेंट्स होते हैं ना वो हमेशा लीनियरली, यानी करंट और वोल्टेज का इक्वेशन एक लीनियर में देता है. अगर करंट बढ़ा तो वोल्टेज बढ़ा, वोल्टेज बढ़ा तो करंट बढ़ा, ये लीनियर इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है. ओके, तो लीनियर एलिमेंट यही है, कहता है आपसे. इसके बारे में डिस्कशन आप कर लीजिए कि द एलिमेंट व्हिच वीआई कैरेक्टरिस्टिक या व्हिच वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स इज ऑलवेज फॉलो ए स्ट्रेट लाइन एंड इट इज पासिस थ्रू ओरिजिन फॉर ऑल टाइम. ऑल टाइम का मीनिंग होता है कि ये देखिए, लीनियर का अगर मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि अगर मैं कहता हूँ कि एक वोल्टेज और एक करंट है, मान लीजिए ये हमने बोला कि चलिए वोल्टेज रेफरेंस ले लिया, एक करंट ले लिया, ठीक है ना. तो बोलता है कि इट वीआई कैरेक्टरिस्टिक, यानी वोल्टेज और करंट में जो रिलेशन होगा आपका, वो ऑलवेज पासिस थ्रू ओरिजिन और इट फॉलो ए स्ट्रेट लाइन. देखिए, ये स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये जो इक्वेशन है, ये जो स्ट्रेट लाइन है, यही कहलाता है हमारा लीनियर एलिमेंट. अब लीनियर एलिमेंट के रिगार्डिंग आप कहोगे कि ऐसा क्या है लीनियर एलिमेंट, देखिए इस चीज को समझना है, लीनियर और नॉन लीनियर. और फॉर ऑल टाइम, ऐसा कोई ग्राफ होगा देखिए जो इस तरीके से वोल्टेज और करंट का ऐसा ग्राफ होगा, और बस यहाँ ये स्ट्रेट लाइन को तो फॉलो कर रहा है, पर ये फॉर ऑल टाइम नहीं, नेगेटिव साइड जाऊंगा तो ये तो जीरो है, तो ये फिर हमारा क्या हुआ, नॉन लीनियर एलिमेंट हो गया. ये हमारा नॉन लीनियर और ये हमारा लीनियर. तो ये तो थियोरेटिकल चीजें हैं कि लीनियर को इसको बोलेंगे और नॉन लीनियर इसको बोलेंगे. ओके, तो हम यहाँ पे देखना चाहते हैं एक्चुअल में कि जो चीजें हैं हमारा, ये इसको किसी एलिमेंट से कैसे जोड़ा जाए. ओके, तो एलिमेंट्स हम इसको चाहते हैं जोड़ने का कोशिश करते हैं. ओके, देखिए एलिमेंट से किस तरीके से जुड़ रहा है. तो पहले हम ले रहे हैं लीनियर नॉन लीनियर. देखिए लीनियर नॉन लीनियर का मतलब क्या होता है, ये रेजिस्टेंस है और यहां आपने एक वोल्टेज सोर्स रखा 10 वोल्ट का और रेजिस्टेंस है 2 ओम का, तो करंट कितना हो जाएगा, 5 एम्पियर. ओके, अब लीनियरली को क्या रिप्रेजेंट कैसे करता है ये देखिए. अगर किसी ने बोला इस 10 वोल्ट के बैटरी के साथ, अब ऐसा कीजिए वोल्टेज इसमें बढ़ा दीजिए 20 वोल्ट और रेजिस्टेंस वही है, तो बताइए करंट कितना होगा, तो 5 से बढ़ के कितना हो जाएगा, 10 एम्पियर. किसी ने फिर कहा 20 वोल्ट से इस बैटरी को बढ़ा के अगर 40 वोल्ट कर देंगे तो बताइए इसके परिपथ में करंट कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि करंट हो जाएगा 20 एम्पियर. तो किस तरीके से एक ऐसा एलिमेंट है जब हम वोल्टेज बढ़ाते हैं तो करंट बढ़ रहा है उसके कॉरस्पॉन्डिंग. तो ये देखिए कैसा, अगर मैं बोलूं ये वोल्टेज है, ये करंट का ग्राफ होगा, ये देखिए तो कैसा रिलेशन है. अगर ये 10 है तो ये कितना है, 5. अगर ये 10 है देखिए तो ये है 5. नेक्स्ट पॉइंट कह रहा, तो इससे पॉइंट मिट कीजिए तो ये पॉइंट तैयार हो गया आपका. ओके, नेक्स्ट पॉइंट में देखिए आपसे कहता है कि ये 20 वोल्ट हमने बढ़ा है तो करंट हो गया 10. अगर इसको हमने 20 करा है तो करंट हो गया 10. ये 10 वोल्ट, ये 20 वोल्ट, इसको और आगे खींचिए. नेक्स्ट, अब इन पॉइंट को मीट करने के लिए देखिए क्या करेंगे आप, ऑब्वियसली ये जो पॉइंट बनेगा आपका कुछ इस कदर बनेगा. नेक्स्ट देखें, हम अगर 40 वोल्ट कर रहे हैं इस सर्किट में तो करंट हमारा बढ़ के हो जा रहा है 20 एम्पियर. इसको मैं अगर 40 कर दूं तो करंट हो जाता है 20 एम्पियर. इसके ग्राफ को भी ऊपर कर दीजिए. तो कहां पे पॉइंट मीट किया देखिए, यानी हो क्या रहा है
लिनियरली बढ़ रहे हैं। लिनियरली की मीनिंग वोल्टेज जिस रफ्तार से बढ़ा है करंट उसी रफ्तार से बढ़ा, तो ये एलिमेंट कैसा लिनियर कैसे, ये देखिए अब इसका जो ग्राफ बनेगा ये एक स्ट्रेट लाइन को फॉलो कर रहा है कि नहीं, ओके और इसी तरीके से इसके पोलैरिटी को अगर चेंज कर दिए नहीं, यानी वोल्टेज यहाँ पे अगर 10 वोल्ट माइनस 10 वोल्ट दिया जाए तो करंट क्या हो जाएगा, इस डायरेक्शन से चलेगा -5 एम्पीयर, तो करंट का ये रहा। तो इस तरीके से इसको फॉलो करेगा, यानी 10 वोल्ट पे हो जाएगा -5 एम्पीयर, ये हो जाएगा 20 वोल्ट पे -20 वोल्ट पे ये हो जाएगा -10 एम्पीयर, ओके। तो इस टाइप का जो एलिमेंट है ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस एलिमेंट कैसा रिप्रेजेंट करता है, एक स्ट्रेट लाइन, ओके यानी लीनियर एलिमेंट है रेजिस्टेंस। सिमिलरली हम इंडक्टर के लिए और सिमिलरली कैपेसिटर के लिए हम डिस्कस कर सकते हैं, ओके। तो आपसे एग्जाम में ज्यादा चूंकि आरआरबी जेई या एसएससी जेई इतना ज्यादा आपको कॉम्प्लेक्स चीजें नहीं पूछती, गेट वगैरह में काफी ग्राफ्स वगैरह पूछे जाते हैं पर यहाँ पे आपसे इतना चीजें नहीं पूछता, तो आपको मेनली ध्यान रखना है लीनियर एलिमेंट कौन सा है, नॉन लीनियर एलिमेंट क्या है, तो इसके एग्जाम्पल लिख लेना जरूरी है, ओके। चलिए देखते हैं आगे, इसको मैं डिस्कस इसलिए कर रहा हूँ कि केसीएल में ये आपको पूछे जाएंगे, केसीएल जब हम डिस्कस करेंगे तो वहां पे आपका यूज होगा, इसलिए तो एग्जांपल देख लीजिए। लीनियर एलिमेंट का एग्जांपल होता है आपका रेजिस्टेंस, इंडक्टर, कैपेसिटर। नॉन लीनियर एलिमेंट का सबसे सुटेबल एग्जांपल है डायोड। तो ये चीजें ध्यान रहे, एग्जाम में आपसे डायरेक्ट पूछता है, ओके। नेक्स्ट है हमारा एक्टिव एंड पेसिव, एक्टिव एंड पेसिव एलिमेंट। तो देखिए एक्टिव और पेसिव एलिमेंट के रिगार्डिंग अगर आप डिस्कशन करते हैं तो एक्टिव एलिमेंट कौन सा एलिमेंट होता है, एक्टिव एलिमेंट द एलिमेंट व्हिच हैव एबिलिटी और कैपेसिटी टू डिलीवर एनर्जी, वो एलिमेंट जो एनर्जी को डिलीवर करने की क्षमता रखता है वही कहलाता है आपका क्या टर्म्स कहलाते हैं, वही आपका एक्टिव एलिमेंट। अदरवाइज वो एलिमेंट क्या होगा, पैसिव एलिमेंट होगा। तो यहाँ पे देखिए एक्टिव एलिमेंट जो एनर्जी को डिलीवर कर सकता है कौन सा डिलीवर कर सकता है, तो एक्टिव एलिमेंट है हमारा बैटरी, करेंट सोर्स, वोल्टेज सोर्स, ये सब हमारा कौन से एलिमेंट में आता है, एक्टिव एलिमेंट में। पैसिव एलिमेंट में कौन सा एलिमेंट होगा, RLC, ओके। ये एलिमेंट कौन सा है, रेजिस्टेंस, इंडक्टर, क्या ये करंट को डिलीवर कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, तो ये या वोल्टेज को एनर्जी को डिलीवर नहीं कर पाता, ये कंज्यूम ही करता है। तो ये एलिमेंट है पैसिव एलिमेंट, और बैटरी, करंट सोर्स, वोल्टेज सोर्स, ये सब एनर्जी को डिलीवर करने की क्षमता रखता है, तो इस एलिमेंट को हम कहते हैं एज अ एक्टिव एलिमेंट, ओके। एक्टिव एलिमेंट में हम रखते हैं किसको, कई बार एम्पलीफायर, आप देखना ये चीज को ध्यान रखना, एम्पलीफायर क्या है, हम जानते हैं कि एम्पलीफायर क्या होता है, खुद से एनर्जी तो डिलीवर नहीं कर पाता लेकिन इनकी कैपेसिटी क्या होती है, अगर हम थोड़ा सा सिग्नल इनपुट देते हैं तो ये मोस्टली क्या करता है, एनर्जी को उसको एम्पलीफाई करता है, तो एम्पलीफायर को भी एक्टिव एलिमेंट में रखा गया है। एम्पलीफायर को भी एक्टिव एलिमेंट में ही रखा गया है, ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है, और ये कंज्यूमर है। अब कई बार आपसे पूछता है क्या एक चार्ज कैपेसिटर एक एक्टिव एलिमेंट होगा, आपसे पूछा जाता है क्या व्हाट इज ए चार्ज कैपेसिटर इज एक्टिव एलिमेंट और नॉट। देखिए वो एक्टिव एलिमेंट के लिए ठीक है, मैं मानता हूं कि एक कैपेसिटर अगर चार्ज होता है तो एनर्जी को स्टोर करता है हाफ सीवी स्क्वायर के फॉर्म में, कैपेसिटर के अंदर एनर्जी स्टोर होता है हाफ सीवी स्क्वायर, और किसी इंडक्टर में एनर्जी जो स्टोर होता है वो हाफ एल आई स्क्वायर के टर्म में, क्लियर ना, एक वोल्टेज के टर्म में एक करंट के टर्म में। लेकिन क्या ये लॉन्ग टर्म के लिए एनर्जी को डिलीवर कर सकता है, क्या नहीं कर सकता, एक कैपेसिटर हमेशा एक शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए एनर्जी को डिलीवर कर पाता है, लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए नहीं। तो एक्टिव एलिमेंट उसको मानेंगे जो लॉन्ग ड्यूरेशन ज्यादा टाइम के लिए आपके एनर्जी को डिलीवर कर पाए, तो इसीलिए कैपेसिटर को हम कभी भी जो है चार्ज कैपेसिटर हो तो भी हम इसको एक्टिव एलिमेंट के रूप में नहीं रखेंगे। थोड़े देर के लिए करता है ठीक है, कुछ देर के लिए एक्टिव है, उसके बाद लॉन्ग टाइम के लिए वो तो एनर्जी डिलीवर करने के तुरंत ही अपने एनर्जी को क्या करेगा, कंज्यूम कर देगा, खत्म कर देगा, ओके। तो चलिए इसके रिगार्डिंग ये टर्म है, तो ये रहा लीनियर नॉन लीनियर तो हो गया, एक्टिव एंड पैसिव हो गया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट था हमारा इसमें यूनिलैटरल एंड बाइलेटरल एलिमेंट कौन सा होता है, देखिए यूनिलैटरल एंड बाइलेटरल एलिमेंट नेक्स्ट टर्म है हमारा, थर्ड वन पॉइंट है यूनिलैटरल
एंड बाइलेटरल एलिमेंट, यूनिलैटरल एंड बाइलेटरल एलिमेंट की जब आप बात करते हैं तो यूनिलैटरल और बाइलेटरल में, तो बाइलेटरल का पहले आप डिफिनेशन सुनिए। बाइलेटरल कहता है द इंपीडेंस ऑफ द एलिमेंट ऑफर्स ऑलवेज सेम इफ द डायरेक्शन और पोलैरिटी ऑफ द सोर्सेज विल बी चेंज। अगर किसी सोर्स की पोलैरिटी आप चेंज करते हैं और उससे करंट का भी डायरेक्शन चेंज होगा, तो ऐसे कंडीशन में इंपीडेंस जो ऑफर करेगा कोई एलिमेंट, चाहे वो रेजिस्टेंस हो तो उसका रेजिस्टेंस, वो जो ऑफर करेगा वो हमेशा फिक्स्ड होगा। अगर फिक्स्ड है, चाहे वोल्टेज की पोलैरिटी चेंज होने से भी उस एलिमेंट का वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब वो एलिमेंट बाइलेटरल एलिमेंट होगा, अदरवाइज यूनिलैटरल। ओके, ये चीजें कीप इन माइंड ऑलवेज। ओके, तो कहने का मतलब है वह इंपीडेंस या एलिमेंट अगर सिर्फ रेजिस्टेंस रहा तो जेड इक्वल टू आर हो जाएगा, तो अदरवाइज हम इंपीडेंस करते हैं। तो डिफिनेशन आप ध्यान लीजिए, आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। दी एलिमेंट ऑफर सेम इंपीडेंस, दी एलिमेंट ऑफर सेम इंपीडेंस, आइदर दी पोलैरिटी ऑफ वोल्टेज सोर्स विल बी चेंज, दी एलिमेंट इज सेड टू बी बाइलेटरल एलिमेंट, अदरवाइज इट विल बी यूनिलैटरल। ओके, तो यानी इस चीज को समझिए क्या कह रहा है कि देखिए एक रेजिस्टेंस है, इसका रेजिस्टेंस R, मैं बोल रहा हूं 5 ओम ही है, चलिए ठीक है, यह है 10 वोल्ट, चलिए R अननोन है, मैं पहले ही बोल देता हूं। देखिए यहां से करंट जाएगा, क्लियर, किसी ने बोला यहां मीटर लगा लिया होगा, इस सर्किट से बहने वाला करंट किसी ने बताया आपको कि 2 एम्पियर है, सपोज दैट यहां मीटर लगाएंगे तो बता तो देगा ना कितना एम्पियर फ्लो हो रहा है। ओके, तो किसी ने आपसे बताया कि यहां फ्लो होने वाले करंट कितना है, 2 एम्पियर, तो आप ही बताइए यहां का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा फिर इस सर्किट का, 10/2 यानी 5 ओम, क्लियर। और नेक्स्ट देखिए इन चीजों से रिलेटेड टर्म्स को, अगर किसी ने आपसे बोला ठीक है इसकी पोलैरिटी को चेंज कर दीजिए, यही आर है और इसकी पोलैरिटी हमने चेंज किया, देखिए पहले 10 वोल्ट में पॉजिटिव इधर था, अब पॉजिटिव इधर कर दिया, तो करंट का डायरेक्शन भी क्या होगा, चेंज। अब भी हमने देखा उसी रेजिस्टेंस की रिगार्डिंग, तो देखिए पोलैरिटी चेंज करने से इसमें करंट फ्लो कर रहा था 2 एम्पियर, तो बताइए आर कितना है, 10/2 = 5 एम्पियर। ओके, तो यहां पे चीजों को आपको देखना है कि दोनों कंडीशन में वोल्टेज की पोलैरिटी हमने चेंज करा, लेकिन सर्किट में अब भी कितना, सॉरी 5 ओम, अब भी 5 ही ओम है, वोल्टेज की पोलैरिटी चेंज होने के बाद भी सर्किट में वोल्टेज जो है वो 5 ही ओम है। इसका क्या मतलब है कि वोल्टेज की पोलैरिटी चेंज होने से एलिमेंट के इंपीडेंस या रेजिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, पहले भी 5 बाद में भी 5, इसका मतलब है कि ये एलिमेंट कैसा एलिमेंट है, बाइलेटरल, इसमें दोनों डायरेक्शन से करंट आप दीजिए, एलिमेंट का इंपीडेंस या रेजिस्टेंस का मान चेंज नहीं होता। ओके, चलिए, तो इस टाइप का एलिमेंट बाइलेटरल एलिमेंट कहलाता है, अदरवाइज ऐसा नहीं होता है तो वो कहलाता है यूनिलैटरल। तो यूनिलैटरल की कंडीशन में क्या, यूनिलैटरल का कोई एग्जांपल देखते हैं, एक डायोड है, इसमें लोड रेजिस्टेंस में लगा देता हूं, ये देखिए कोई आरएल, क्योंकि डायरेक्ट हम डायोड में सोर्स नहीं अप्लाई कर सकते, देखिए तो ये प्लस और माइनस और ये आरएल है। देखिए इस कंडीशन में अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में किसी डायोड की बात करेंगे तो उसका रेजिस्टेंस आइडियली क्या होता है, लगभग 0। फॉरवर्ड डायरेक्शन में किसी रेजिस्टेंस, आपने ईडीसी पढ़ा होगा, रेजिस्टेंस डायोड के बारे में थोड़ा भी जानते हैं अगर आप, तो देखिए फॉरवर्ड डायरेक्शन में रेजिस्टेंस क्या होता है किसी डायोड का, 0। लेकिन रिवर्स डायरेक्शन में क्या होता है, फॉरवर्ड में 0 ओम, लेकिन रिवर्स डायरेक्शन में क्या होता है, बैकवर्ड में इनफाइनाइट आइडियली ओम। तो चीजों को देखना है यहां पे, अगर यहां पे वोल्टेज V अप्लाई किसी ने किया है और रेजिस्टेंस R है, तो इस सर्किट में आपसे बोलेगा कि इस एलिमेंट का रेजिस्टेंस कितना, तो ये तो 0 है, ओके ना, और फिर भी देखिए करंट कितना फ्लो करेगा, I = V/RL + 0। लेकिन जब इसी की पोलैरिटी हम चेंज कर देंगे, ये देखिए ये रेजिस्टेंस RL अब भी है और इसके साथ मैंने डायोड को लगाया
और इसकी पोलैरिटी को हमने चेंज कर दिया। ये देखिए जो पोलैरिटी इधर से वोल्टेज का करंट था अब हमने इधर कर दिया। अब बताइए करंट कितना होगा, तो आप ही बताइए सर्किट में टोटल वोल्टेज बटे आरएल लोड रेजिस्टेंस प्लस हम जानते हैं इसका क्या होता है बैकवर्ड डायरेक्शन में इसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट, तो ये हो गया इनफाइनाइट। तो कितना करंट फ्लो होगा यहाँ पे 0 एम्पियर। तो रिवर्स डायरेक्शन में इसकी रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होने के कारण करंट कितना फ्लो हो रहा है 0। तो ये नेचर चेंज हो गया कब, जब एलिमेंट्स में पोलैरिटी ऑफ सोर्सेस विल बी चेंज्ड। ओके, तो ये स्टेज से इसीलिए बोला जाता है कि फिर किसको हम माने यूनिलैटरल और किसको माने बाइलैटरल। तो देखिए यूनिलैटरल एलिमेंट में आता है हमारा डायोड, बाइलैटरल एलिमेंट में आता है हमारा रेजिस्टेंस, दोनों साइड से जा सकता है करंट इधर से भी उधर से भी, इंडक्टर कैपेसिटर ट्रायोड ट्राइक, इसको बोलिए आप ट्राइक, जो आपके फैन में यूज होते हैं ना आज के डेट में, जो रेगुलेटर जितने पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस के बने होते हैं ट्राइक होते हैं, वो बाइलेट्रल होते हैं। क्लियर ना, दोनों डायरेक्शन से उसमें करंट फ्लो का मूवमेंट होता है। और ये डायोड जो है यूनिडायरेक्शनल होता है क्योंकि इसका इंपेडेंस बहुत ड्रास्टिकली चेंज करता है। ओके, तो ये चीजें हैं, ये एग्जांपल आपसे पूछा जाता है और कुछ कोई डिफिनेशन नहीं, ठीक ना, ये आपको ध्यान रहे। चलिए तो आगे देखते हैं क्योंकि ये इसकी नीड होती है हमें, इसीलिए हमने इस चीज को करा है। चलिए आगे देखते हैं, आपको कुछ और डिस्कशन करते हैं, बहुत बेसिक चीज पे आना शुरू करते हैं। वो टर्म्स है, बहुत सिंपल टर्म्स है, स्टार डेल्टा कन्वर्जन। देखिए क्या है स्टार डेल्टा कन्वर्जन, स्टार से डेल्टा का कन्वर्जन कैसे करते हैं, क्यों करने की जरूरत होती है, कब नीड होता है, उसके रिगार्डिंग हम इस चीज को डिस्कस करेंगे। बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि लास्ट टाइम मैंने रेजिस्टेंस के क्वेश्चन देखे थे तो उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे आने वाले हैं जिसमें कि स्टार डेल्टा कन्वर्जन आपको करना पड़ेगा, और इस तरीके से सिंपल पैटर्न होता है जिसको आप आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए स्टार डेल्टा कन्वर्जन की रिगार्डिंग टर्म्स को देखते हैं। मान लीजिए यहां एक एलिमेंट है, यहां भी एक एलिमेंट है और यहां भी आपके लिए एलिमेंट है, ये है हमारा डेल्टा कनेक्शन। डेल्टा में अगर इस एलिमेंट को स्टार बनाना है तो देखिए क्या करेंगे आप, हमने माना यहां पर इसको R1, इसको R2, इसको R3, क्लियर, और यहां वाले एलिमेंट को हमने एज्यूम्स किया RA, RB और RC। इज इट क्लियर, क्या आपको ये क्लियरली दिखाई दे रहा, चलिए क्लियर है। ओके, तो ये है R1, R2, R3 और RA, RB, RC। तो ये है स्टार डेल्टा को हमने कनेक्ट किया यहाँ पे। कई क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि कन्वर्जन किए बिना, जब चीजें डेल्टा में होती है ना तो बिना कन्वर्जन किए आपसे नहीं सॉल्व होता है, तो ऐसे कंडीशन के लिए आपको जरूरी होता है कि इन चीजों को आप डिस्कस करें। ओके, तो स्टार डेल्टा कन्वर्जन में पहला ही टॉपिक में लेता हूं, देखिए हमारा टॉपिक है स्टार टू डेल्टा कनेक्शन। अगर स्टार हो चीजें और उसको डेल्टा में करना है तो कैसे करें, यानी स्टार टू डेल्टा करना है तो आपको नोन है आरए, आरबी और आरसी, ये तीन चीजें नोन है, अननोन है ये, इसमें कन्वर्ट करना है। यानी नोन एलिमेंट कौन सा आपके लिए, नोन एलिमेंट है जिसको आप जान रहे हैं वो है आरए, आरबी, आरसी, और अननोन एलिमेंट है वो है R1, R2 एंड R3। क्लियर, तो आपको कैलकुलेट क्या करना है, वहां देखिए स्टार से डेल्टा में, स्टार से डेल्टा में अगर आना है तो देखिए
आपको कैलकुलेट क्या करना है, आर ए आर बी आर सॉरी आर वन आर टू आर थ्री। तो अगर कोई आपसे बोलता है आर वन कैलकुलेट कीजिए, तो देखिए कैसे कैलकुलेट होगा। ये जब एलिमेंट कैलकुलेट करते हैं तो दो तरीके से मैं बताऊंगा, उसको अच्छे ध्यान रखिएगा। ये सामने वाला प्लस दोनों का सम कर दीजिएगा, यानी आर ए प्लस आर बी प्लस, अब इन दोनों का गुणा और सामने वाले का डिवीजन कर दीजिए, यानी आर ए इंटू आर बी डिवाइडेड बाय आर सी, इन दोनों का गुणा और डिवाइडेड बाय अपोजिट। अपोजिट में तो क्या हो गया, आर ए आर बी आर सी, ठीक। जब आपको ये निकालना है तो क्या आया, आर आर ए प्लस आर सी यहाँ पे आ रहा है, आर ए प्लस आर सी आ रहा है, देखिए आर ए प्लस आर सी अपोजिट में बी है, क्लियर। तो यहाँ पे आर ए इंटू आर सी, फिर आएगा टर्म यहाँ पे आर ए इंटू आर सी डिवाइडेड बाय अपोजिट तो आर बी है, यानी यहाँ का एलिमेंट देखना है तो ये प्लस ये का सम, आर ए प्लस आर सी था, हमने आर बी लिख दिया था, ओके, और फिर प्लस आर ए इंटू आर सी का गुणनफल डिवाइडेड बाय ये। और दूसरा तरीका, और कोई या इसी को दूसरे तरीके से निकालता है, क्या करता है देखिए, जब भी इस एलिमेंट का वैल्यू निकालना होता है, यानी तीनों नोन थे और इसमें कन्वर्ट करना है, तो इसका मतलब वो क्या करता है, देखिए इसको इसके साथ गुना, इसको इसके साथ गुना, इसको इसके साथ, और लास्ट में भागा इससे दे दीजिए। देखिए क्या करता है, आर ए इंटू आर बी प्लस आर बी इंटू आर सी प्लस आर सी इंटू आर ए, और फाइनली डिवाइड किससे दे देना है, इसके अपोजिट आर्म से, देखिए इसके अपोजिट आर्म से, यानी आर बी। तो ये भी दो अप्रोच है, आप या तो इस अप्रोच को फॉलो करिए या फिर इस अप्रोच को फॉलो कीजिए, दोनों चीजें वही है। देखिए इसमें भी कॉमन ले लेंगे तो आर बी कॉमन आ जाएगा, और आर ए इंटू आर बी, आर बी इंटू आर सी, आर ए इंटू आर सी डिवाइडेड बाय आर बी, तो चीजें तो वही है। सिमिलरली आपके लिए होमवर्क अभी है, होमवर्क कहने का मतलब इस सेंस में है कि आप इसी तरीके से आर टू अगर बोले कैसे निकलेगा, तो बताइए आर टू निकालने क्या करेंगे, इन दोनों का सम या फिर सबका गुना कर दीजिए, आर सी से भागा दे दीजिए, यानी आर ए इंटू आर बी प्लस आर बी इंटू आर सी प्लस आर सी इंटू आर ए डिवाइडेड बाय आर सी। इज इट विजिबल, आर सी लिखा हूं यहाँ पे, ये है, अगर विजिबल नहीं आपको, ये देखिए यहाँ पे आर सी लिखा हूं, ओके। तो ये रहा आर टू के रिगार्डिंग। सिमिलरली आर थ्री क्या हो जाएगा, देखिए आर थ्री अगर आप लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, वही आर ए इंटू आर बी प्लस आर बी इंटू आर सी प्लस आर सी इंटू आर ए डिवाइडेड बाय अपोजिट कौन सा इसके, आर ए, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ये है स्टार टू डेल्टा। स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन में मोस्टली आपको चीजें नहीं, जब चीजें स्टार में होती है तो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाता है, तो वहां पे आपको कन्वर्जन करने की ज्यादा नीड नहीं होती। जब चीजें डेल्टा में हो तो उलझन ज्यादा होती है, तो उसको आपको सॉल्व करना होता है। तो देखते हैं, जब हमको आपका चीजें जो पता है, पहले ये तीनों पता हो तो इसमें कन्वर्ट करना हो चीजों को, तो कैसे करेंगे। चलिए ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसको सॉल्व करने के लिए, लिखने के लिए, आगे इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी कराएंगे। ये रहा टर्म हमारा आर थ्री, यानी चीजें अभी हमने जो देखा वो इस कदर अवेलेबल था आपके पास, इस कदर अवेलेबल था स्टार में, इसको आपने बना दिया डेल्टा में, अभी जो आपने किया कुछ ऐसा किया, ओके। अब जो हम करने जा रहे हैं वो टर्म है हमारे लिए, देखिए डेल्टा टू स्टार कनेक्शन। अब हमारा है डेल्टा टू स्टार कनेक्शन, तो इसमें नोन वैल्यू क्या होगा, डेल्टा में आर वन आर टू आर थ्री नोन है, यानी डेल्टा नोन वैल्यू क्या है, आर वन आर टू आर थ्री, और नहीं जान रहे वो निकालना क्या है, आर ए आर बी आर सी, आर ए आर बी आर सी, ओके, इन वैल्यू को कैलकुलेट करना है। चलिए करते हैं, तो आर ए कैसे निकलेगा, आर ए निकालने के लिए जब भी जाते हैं तो ध्यान में रखें इसके सामने वाले एलिमेंट का गुणा और डिवाइडेड बाय सब, यानी क्या हो गया, इसका आर ए इंटू आर वन इंटू
आर टू डिवाइडेड बाय सबका जोड़ आर वन प्लस आर टू प्लस, इसकी जरूरत आपको ज्यादा पड़ती है। ओके, अब देखिए इसको याद रखने का भी बहुत सिंपल तरीका है। कैसे याद रखें ये कि डेल्टा टू स्टार वर्ड क्या है, वर्ड आपसे बोल रहा है डेल्टा टू स्टार, इसका क्या मतलब है, डेल से डेल्टा से याद रखना डिवाइड और स्टार से सब, डिवाइड सब, यानी डेल्टा टू स्टार में एक ही चीज दिमाग में रहना, डी टू एस मतलब डिवाइड सब, डिवाइड सब, ये दिमाग में आना है आपको। यानी जब भी चीजें याद की आपके पास तो तुरंत आपको दिमाग में लगाना डिवाइड सब, डिवाइड सब। ओके, तो इस तरीके के अप्रोच से ही आपको आसानी से दिमाग में आएगा कि क्या इसके लिए क्या करना चाहिए। ओके, डिवाइड सब ये आपके दिमाग में रहे। ये देखिए डिवाइड सब में सबको डिवाइड कर दिया, सबको जोड़ के, और क्या करेंगे इसके एलिमेंट का गुणनफल। ऐसे ही आप बनाइए आरबी, क्या आप कर सकते हो आरबी के रिगार्डिंग क्या कर सकते हैं आप ही बताइए। क्या होगा यहाँ पे आर टू इंटू आर थ्री, आर टू इंटू आर थ्री डिवाइड सब, यानी आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। सिमिलरली आर सी के लिए क्या कर सकते हैं आप, आर वन इंटू आर सी के लिए बोला गया है आर वन इंटू आर थ्री डिवाइडेड बाय आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। ये टर्म है कन्वर्जन का। ओके ना, कि किस तरीके से हम इसको कन्वर्ट करें, ठीक है ना। तो इस चीजों को और आगे देखते हैं कि किस तरीके से कंटिन्यू करते हैं, कैसे इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूं, इसका पैटर्न आपको समझना होगा स्टार डेल्टा कन्वर्जन का कि कैसे होता है। ये तो रेजिस्टेंस है तो ऐसा हुआ, लेकिन और एलिमेंट इंडक्टर होगा कैपेसिटर होगा तो क्या होगा। तो यहाँ पे कुछ चीजें और देखने के हैं, वो देखिए आप, बहुत इंपॉर्टेंट होगा ये जो अभी नेक्स्ट करा रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए क्या इंपॉर्टेंट, किस लिए इंपॉर्टेंट मैं बोल रहा हूं। अगर आपसे कोई बोलता है स्टार टू डेल्टा और कोई बोलता है डेल्टा टू स्टार, तो फॉर्मूला अगर मैं देखूं डेल्टा से स्टार, जब भी डेल्टा से सॉरी स्टार से डेल्टा करना होगा तो देखिए स्टार से डेल्टा जब करना होगा चीजों को ध्यान से देखना है, चीजें इस कदर है उसको कन्वर्ट करना है इस कदर, और डेल्टा टू स्टार में चीजें इस कदर है उसको कन्वर्ट करना है इस कदर। क्लियर ना। तो अब देखिए यहां पे चलिए इसको ऐसे कर देते हैं, मोस्टली आपको ये देखने को मिलता है। चलिए अब देखिए क्या कनेक्शन है, अगर इसमें वैल्यू पूछा जाता है कि अगर समान डेल्टा कनेक्शंस के हर एलिमेंट समान हो तो बताइए इसका हर एलिमेंट क्या होगा। यानी अगर यहां पे सबका मान R है R है R है तो ये इसमें कन्वर्ट होगा तो इसका हर एलिमेंट का मान क्या होगा। तो डेल्टा टू एस हम जानते हैं कि मान लीजिए इसको मैंने आर ए लिखा, इसको आर बी लिखा, इसको आर सी लिखा, तो बोलेगा एक डेल्टा कनेक्शन है उसके हर एलिमेंट का वैल्यू आर है तो बताइए उसके स्टार कनेक्शन के हर एलिमेंट का मान क्या होगा। तो आप खुद ही देखिए, आपको एक बार पैटर्न पता चलेगा ऑटोमेटिक आप करने लगेंगे। क्या होता है ये चीजें हम जानते हैं, अगर आर ए निकालना होगा तो क्या होगा यहाँ की चीजें, ये चीजें जब होंगे बीच में आ जाएगा ये एलिमेंट आर ए आर बी आर सी, तो क्या करते हैं हम जब डेल्टा टू स्टार डिवाइड सब, यानी तो जब भी एलिमेंट को निकालना है आर ए इंटू आर, यानी दोनों दो एलिमेंट का गुणनफल बाकी तीनों का सम आर प्लस आर प्लस आर, तो आर स्क्वायर बाय थ्री आर, तो आर स्क्वायर से कैंसिल आउट तो एक बटा तीन इंटू आर ये रह गया। तो क्या कंक्लूजन निकलता है ये चीज देखना बहुत जरूरी है। यहाँ पे देखिए कंक्लूजन ये निकलता है कि अगर सब एलिमेंट समान वैल्यू का हो और यहाँ पे वैल्यू निकालना स्टार में, तो हमेशा अगर इसका हर एलिमेंट आर हो तो इसका हर एलिमेंट क्या हो जाएगा आर बटा थ्री आर बटा थ्री आर बटा थ्री। ऐसे ही हर एलिमेंट अगर बोला जाए इसका इंडक्टर है, इंडक्टर है एल है, इंडक्टर एल है एल है, तो इसका हर एलिमेंट स्टार का क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा एल बटा थ्री एल बटा थ्री एल बटा थ्री। ओके, नेक्स्ट पूछेगा कि हर एलिमेंट डेल्टा का अगर कैपेसिटर होगा, हर एलिमेंट डेल्टा का कैपेसिटर होगा, तो इसके एलिमेंट को अगर मैं
स्टार में बनाऊंगा तो बताइए इस कैपिटल का मान क्या होगा। तो यहाँ पे सबका मान अगर सी 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 है, यहाँ पे एल 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 था, ओके, तो यहाँ पे हो जाता है, अब तीन से डिवाइड होता था, यहाँ पे देखिए एल बाय थ्री, तो यहाँ पे होगा थ्री सी थ्री सी थ्री सी, ओके थ्री सी आपको शायद दिख नहीं रहा, चलिए मैं इसको ऊपर कर देता हूँ। अगर चीजें कैपेसिटर से रिलेटेड हो कि अगर डेल्टा में ये देखिए कैपेसिटर है कैपेसिटर है कैपेसिटर है, ये इसी क्या है अभी, तो स्टार में अगर इसको बदलना है कैपेसिटर में तो ये कैसा एलिमेंट देगा, ये सी 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 अगर होगा ये थ्री सी थ्री सी थ्री सी देगा, ओके ना, ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन एस एस सी जेई में पूछा गया है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ इस चीजों को। तो अब एक बार पैटर्न को बनाइए, तो आपको क्या बनता है पैटर्न, उस पैटर्न को मैं जल्दी से करा देता हूँ क्योंकि इसमें फिर स्पेस नहीं बच पाएगा। देखिए कहता है कि जब डेल्टा टू स्टार में जाएंगे तो आर का डेल्टा से स्टार में जाएंगे तो हो जाता है आर बटर थ्री, इंडक्टर होगा तो हो जाता है एल बटर थ्री, और कैपेसिटर हो जाता होता है सी बटर थ्री सी, तीन गुना होता है, क्यों, क्योंकि रिएक्टेंस और कैपेसिटर का मान इनवर्स होता है एक दूसरे के, ठीक है ना। सिमिलरली यही अप्रोच मैं यहाँ भी देना चाहता था कि अगर डेल्टा कनेक्शन से हमने स्टार में जाना है और इसका हर एलिमेंट का मान आर 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 है और इसमें निकालना है, तो जब इससे डेल्टा टू स्टार जाएंगे तो फॉर्मूला अगर लगाएंगे तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा कि अगर रेजिस्टेंस है इसका हर एलिमेंट डेल्टा में क्या कन्वर्ट हो जाता है, थ्री आर, तीन गुना, आप एक एक वैल्यू लेके देखेंगे, हो सकता है आगे एग्जाम्पल में इसको डिस्कस भी करूंगा। अगर बोला जाता है इंडक्टर लिया जाए तो हो जाता है थ्री एल, अगर बोला जाए कैपेसिटर लिया जाए तो क्या होगा, तो कैपेसिटर जब लिया जाए तो सी बटा थ्री, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह पूछे जाते हैं, ये ध्यान रहे, यानी फॉर्मूला बैठा के देखेंगे तो आपको क्लियर पता चल जाएगा, ये तो आपको एकदम दिमाग में रखना है क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है ये सब वैल्यू, ठीक है ना। अब फॉर्मूला ओरिएंटेड मैं कहता हूँ कि कैसे फॉर्मूला में देखिए कैसे बन जाएगा, इसको फॉर्मूला से अगर देखना है तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या था, इससे इसमें कन्वर्ट करने के लिए दो दो का गुणनफल भागा अपोजिट, तो आर इंटू आर प्लस आर इंटू आर प्लस आर इंटू आर डिवाइडेड बाय आर, तो कितना हो गया थ्री आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, ये कट गया तो बचा क्या थ्री आर, तो वही थ्री आर तो यहाँ पे आ जाता है, ओके ना। तो इस चीज को आपको ध्यान रहे, एजम्पशंस रहे, चूंकि टाइम का लिमिटेशन हमारा ओवर हो रहा है, तो इस तरीके से इसको दिमाग में रखना है और प्रैक्टिस करना, आगे क्वेश्चन इस पे स्टार डेल्टा पे हम प्रैक्टिस जरूर कराएंगे। ओके गाइस, हैव अ नाइस डे, और आपको अच्छा लगे तो प्लीज शेयर करें, बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे।